पांचवा क्वेश्चन करते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखी है कि विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू, इस विकर्ण बी डी के ऊपर दो बिंदु, ये पी है ये क्यू है, इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू, ये डी पी और बी क्यू दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, दर्शाइए कि। उसके बाद एक पांच बातें बतानी है आपने, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग समय सी क्यू बी के, ए पी सी क्यू के बराबर है, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग समय त्रिभुज सी पी डी के, फिर ए क्यू बराबर सी पी के है, और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है लास्ट में, ये बताना हमने इसके अंदर। तो पहले भाग को शुरू करते हैं, उसमें क्या देखिए सॉल्यूशन इसका, पहला भाग त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में, इसको करते हैं त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, ए पी डी और दूसरी आपकी सी बी क्यू, सी बी क्यू ये और ये त्रिभुज दोनों, ए पी डी और सी बी क्यू। सबसे पहले तो इनमें देखिए क्या दे रखा है, डी पी बराबर बी क्यू दे रखा है, इसकी डी पी और इसकी बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू, कारण क्या दिया है। उसके बाद इसका कोण ये, इसको कोण एक कह दूं और ये कोण आपका दो, कोण एक बराबर दो आपके बराबर है, एकांतर कोण, कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखी है ये आपके ए बी सी डी, तो यहां आपके क्या हो जाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी ये बराबर क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती, समान होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, ठीक भाई। तो दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर होगा, त्रिभुज क्या होगी आपके सर्वांग सम होगी, इसलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग समय त्रिभुज किसके, सी क्यू बी के, कारण क्या एस ए एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करना, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, ये तो बता ही सकते हैं, क्यों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। नंबर दो की बात करते हैं, इसमें पहले तो कारण बता देंगे क्या, क्योंकि ए पी डी अभी अभी किया है, सर्वांग समय किसके त्रिभुज सी क्यू बी के, इसलिए ए पी बराबर सी क्यू, कुछ नहीं करना है सीधा, बस सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम शॉर्ट में इसको सी पी सी टी कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सी पी सी टी लिख दोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो दूसरा भाग हुआ, तीसरे भाग में क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी, ए क्यू बी और सी पी डी ये वाली दोनों, इनको हमने क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। थर्ड पार्ट देखिए, तीसरे भाग में त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी और त्रिभुज सी पी डी में, पहली बात तो क्यू बी बराबर डी पी,
दे रखा है तो क्यू बी बराबर डी पी, ये तो आपका क्या है, दिया है, दिया है। एक भाई एकांतर कोण ले लेंगे कोई भी उठा के, एक कोण ले लेते हैं हम, ये वाला, ये कोण ले लेते हैं, इसको कोण तीन कह दिया, उधर से उसका कोण ले लिया चार, ये इसका कोण तीन ले लिया, ये आपकी त्रिभुज ए क्यू बी और ये आपकी त्रिभुज क्या है सी डी पी, इसका कोण तीन और इसका कोण चार, क्यों एकांतर कोण, कोण तीन बराबर किसके, कोण चार के, कोण तीन बराबर कोण चार क्या है आपके एकांतर कोण। एक भुजा और कर देते हैं, एक भुजा क्या हो जाएगी आपकी ए बी बराबर किसके सी डी के, ए बी बराबर किसके सी डी के, ये ए बी बराबर किसके सी डी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ए बी बराबर सी डी या डी सी जो भी कहो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगला भाग आ ही जाएगा फिर, इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग समय त्रिभुज किसके सी पी डी के, और कारण वही रहेगा आपका कौन सा एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता। अब चौथे भाग में क्या करना है, ए क्यू और सी पी, ए क्यू और सी पी, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग समय सिद्ध किया तो ए क्यू और सी पी तो संगत भुजाएं तो समान हो ही जाएंगी। तो चौथे भाग में, चौथा पार्ट इसका, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू हबी, ए क्यू बी सर्वांग समय किसके त्रिभुज सी पी डी के, प्रमाणित अभी अभी किया हमने, इसलिए ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, वही सर्वांगसम त्रिभुजों के सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये हो गया आपका चौथा पार्ट। पांचवें पार्ट में देखिए, एक मैं इनको नंबर दे देता हूँ, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी। एक तो हमने क्या सिद्ध किया है ए पी बराबर सी क्यू, इसको दे देते हैं हम नंबर एक, समीकरण एक, और दूसरा हमने किया अभी अभी ये किया है ए क्यू बराबर सी पी, इसको नंबर दो कह देते हैं, इसकी अभी जरूरत है चौथे भाग में, एक और दो, दो समीकरण। पांचवा भाग करते हैं, पांचवा भाग में, पांचवें भाग में ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू में चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी बराबर सी क्यू किससे समीकरण एक से, समीकरण एक से। दूसरा ए क्यू बराबर सी पी, ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण दो से, और चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाएं समान हो गई तो क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, और दूसरी ए क्यू बराबर किसके आपका सी पी के, तो ये भुजा इसके समान हो, ये भुजा किसके समान होगी इसके, और ये भुजा किसके समान होगी इसके, तो सम्मुख भुजाएं समान हो जाए अगर किसी चतुर्भुज में तो वो चतुर्भुज क्या होती है आपकी समांतर चतुर्भुज होती है। चतुर्भुज ए पी सी क्यू की
सम्मुख भुजाएं समान हैं, इसलिए ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। यह आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन।